बढ़ते आगे, धौलपुर में बाड़ी सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार निर्माण करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से पुलिस और डीएसटी टीम को बने हुए हथियारों के अलावा हथियार बनाने वाली सामग्री भी मिली है। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। जांच टीम ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए पुलिस और डीएसटी की टीम ने जो अभियान चला रखा है, उसके तहत संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बाड़ी सदर थाना इलाके में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। डीएसटी टीम और बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाड़ी सदर थाना इलाके के कचहलपुरा गांव में एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। ये फैक्ट्री के अंदर की वही जगह है जहां अवैध तरीके से हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से कई देसी तमंचे, खाली खोके समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया। हमने एक दबिश मारी थी बाड़ी सदर के आईसी और डीएसटी टीम योगेश के नेतृत्व में। उसमें हमने एक हथियार बनाने की फैक्ट्री बरामद की थी, जिसमें हथियार बनाने के सारे औजार उपलब्ध थे। 3 हथियार भी मिले और 2 अर्धनिर्मित हथियार भी मिले। तो इसकी जब हमें सूचना लगी तो हमने प्लानिंग के साथ इस पर रेड डाली और हमें ये पता कर रहे हैं कि यहाँ से कितने हथियार बने हैं, किस किस को सप्लाई हुए हैं, उन सबको भी हम इस मुकदमे में उलझन बनाएंगे। सदर थाना इलाके के कचहलपुरा गांव में पशु बाड़े में चलाई जा रही अवैध निर्माण करने वाली फैक्ट्री की जानकारी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली थी, जिसके बाद विशेष अभियान के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके से 5 अवैध देसी तमंचा, 7 खाली खोके और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी धर दबोचा है। हरवी शर्मा, न्यूज 18, धौलपुर। चलिए जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। फाउंटेन स्क्वायर पार्क में मुगल क्यारी को लेकर विवाद, लोकार्पण के साथ ही मुगल क्यारी को लेकर यह विवाद हुआ है। हाउसिंग बोर्ड ने बोटानिकल गार्डन में बनाई मुगल क्यारी के नाम से नाराज हुए यूटीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा। विवाद के बाद यूटीएच मंत्री ने दिए निर्देश, मुगल क्यारी को जल्दी बदलेंगे नाम, उसका जल्दी नाम बदलेंगे। ये छाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। अपने मेरे संज्ञान में लाई है, अब ये इसको ठीक करेंगे। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप भी मेरे से ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं और इन सब को निराकरण करते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति के रूप में ये गार्डन आने वाले समय में विकसित होगा। हम हर वो काम करेंगे जिससे भारतीय सभ्यता संस्कृति और मजबूत हो, उसके लिए। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।